हेलो फ्रेंड्स, आप सबके बीच में डॉक्टर एनके यादव सर का न्यू वीडियो आया था जिसमें आप सबको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में आप सबको वर्ब के बारे में जादुई ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। इस वीडियो को आप सब अंत तक देखें, अंत में सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंथेसिस खत्म होने के बाद अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। और क्रिया दो प्रकार के होता है समानता, क्रिया दो प्रकार के होता है समानता, वर्ब दो प्रकार के होता है। समान में कहा जाता है कि क्रिया दो तरह की होती है, क्रिया मतलब पत्नी दो तरह की होती है, एक काम करने वाली एक बैठ कर खाने वाली। उसी प्रकार यहाँ भी वर्ब दो प्रकार के हैं, एक है ऑक्सिलियरी वर्ब और एक है मेन वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स मतलब काम करने वाली जो काम को बताता हो, और ऑक्सिलियरी वर्ब्स बैठ कर खाने वाली यानी जो स्थिति को बताता हो, यानी मेन वर्ब को सपोर्ट करता हो, मेन वर्ब के स्थिति को बताता हो। तो समानता वर्ब दो प्रकार के होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रिया और दूसरा मेन वर्ब्स मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कार्य को बताता है, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो मेन वर्ब हो गया, और अगर कार्य नहीं करते हैं वो मेन वर्ब की स्थिति को बताता है तो वो सहायक क्रिया हो गया यानी ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब इनको याद रखना है जिसका सिंपल सा तरीका है कि कोई अगर पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स, जस्ट यू रिप्लाई थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स, प्राइमरी मॉडल मार्जिनल सब में लगा दो ऑक्सिलियरी वर्ब्स, प्राइमरी मॉडल मार्जिनल सब में लगा दो ऑक्सिलियरी वर्ब, हो जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। फिर से समझिए, ऑक्सिलियरी वर्ब तीन प्रकार के होता है, प्राइमरी मॉडल मार्जिनल और सब में लगा दो ऑक्सिलियरी वर्ब्स। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स 11 है 11, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स 10 है 10, और मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब 3 है यानी 3। टोटल मिलाकर 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, फुल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, फुल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। जब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स वाक्य में अकेले आता है तो अपने आप को बॉस समझता है, जब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स वाक्य में अकेले आता है तो अपने आप को बॉस समझता है यानी फुल वर्ब कहलाता है। लेकिन जब वही प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स किसी मेन वर्ब के साथ आता है तो मेन वर्ब को मदद करता है तब वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यानी जब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स वाक्य में अकेले आता है तो वो फुल वर्ब कहलाता है। अब वही प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जब मेन वर्ब के साथ आता है यानी मुख्य क्रिया के साथ आता है तो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कोई बड़ा बेटा घर में अगर अकेले हो तो घर का मुखिया कहलाता है कि मैं ही घर का मुखिया हूं। उसी प्रकार प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जब वाक्य में अकेले रहता है तो कहता है इस वाक्य को पूरा करने वाला मैं हूं। समझ में आया कि नहीं, मैं हूं। जब कोई बड़ा बेटा अपने पिता के पीछे पीछे चलता है तो कहता है कि मैं पिता को मदद करने वाला सहायक हूँ, असिस्टेंट हूँ। उसी प्रकार जब कोई प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब वाक्य में मेन वर्ब के साथ आता है तो कहता है कि मैं मेन वर्ब की स्थिति को बता रहा हूँ यानी मैं सहायक हूँ, यानी सहायक क्रिया हूँ। तो वही प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब अकेले आएगा वाक्य में तो फुल वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्लियर। अब फुल वर्ब के तीन पार्ट्स हैं, बी हैव डू,
वी हैव डू मेन यानी फुल वर्ब के तीन पार्ट्स हैं बी हैव डू बी हैव डू बी को पांच फॉर्म्स हैं इज एम आर वाज वर हैव को तीन है हैव हैज हैड और डू को भी तीन है डू डज डिड डू डज डिड। अगर इसको ठेठी भाषा में याद रखना हो गांव के भाषा में अगर याद रखना हो तो किसी को अगर तीन पत्नियां होती है तो अपनी पत्नी का नाम जरूर याद रखते हैं। वहीं समझ लो कि फुल वर्ब को तीन पत्नियां हैं वी हैव डू जिसमें वी पांच बहन है इज हमारे पास वर्ब हैव तीन बहन है हैव हैड हैड और डू भी तीन बहन है डू डज डिड। तो ये समझ लीजिए यदि आपको अपनी पत्नी का नाम याद नहीं है और पत्नी की बहन की नाम याद नहीं है तो फिर समझ लो आने वाले दिन में क्या होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह समझिए कि फुल वर्ब के तीन पत्नियां वी हैव डू बी पांच बहन इज अ मारवाड़ वर्ब हैव तीन बहन हैव हैड और डू भी तीन बहन डू डज डिड। क्लियर याद रखना। अब दूसरा है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के छह पार्ट्स हैं मे कैन शैल विल मस्ट आउट टू मे कैन शैल विल मस्ट आउट टू मे का पार्ट फॉर्म है माइट कैन का पार्ट फॉर्म है कुड शैल का पार्ट फॉर्म शुड विल का पार्ट फॉर्म वुड मस्ट और आउट टू का पार्ट फॉर्म नहीं होता है। कुल मिलाकर 10 मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं यानी 10 मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के 6 फॉर्म्स हैं। एक है मे कैन शैल विल मस्ट और टू मे का पार्ट फॉर माइट कैन का कुड शैल का पार्ट फॉर शुड विल का वुड मस्ट और टू का नहीं है। अगर हम लोग कोलोकियल लैंग्वेज में अगर इसे याद रखें जिसको ठेठ भाषा कहते हैं बोल चाल की भाषा में अगर हम लोग इसको याद करें तो सिंपल सा तरीका है याद करने का कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के 6 बेटा है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के 6 बेटा हैं जिसमें से बेचारा दूगो कुमारा है बस दूगो कुमारा है जो कुमारा है वो है मस्ट और टू यानी बैचलर्स हैं मस्ट और टू बेचारा कुमारे बेचारा पड़ा हुआ है। तो मॉडल्स के जो 6 बेटा है जिसमें से 2 कुमारा है वो है मस्ट और टू और शादीशुदा 4 वो है शादीशुदा 4 मे कैन शैल विल शादीशुदा 4 है मे कैन शैल विल मे के पत्नी का नाम माई कैन के पत्नी का नाम कुड और शैल के पत्नी का नाम शुड विल के पत्नी का नाम कुड। ये हो गया आपको बोलचाल की भाषा में याद करने का सबसे इजीएस्ट तरीका। फिर से मैं बता दूं मॉडल्स को 6 बेटा बस 2 कुमारा है मस्ट और टू और 4 शादीशुदा मे कैन शैल विल मे के पत्नी का नाम माई कैन के पत्नी का नाम कुड और शैल के पत्नी का नाम शुड और विल के पत्नी का नाम कुड। तो ये रहा मॉडल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल और क्लियरी वर्ब। बस मार्जिनल और क्लियरी वर्ब बस 3 है एक देयर मी यू इटो मार्जिनल और क्लियरी वर्ब मात्र 3 है यानी ओनली 3 देयर आर ओनली 3 मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स देयर नीड यू टू। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में भी आ गया होगा। आप पढ़ेंगे हम लोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स का यूसेस यानी यूसेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरी।